बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं कोफ्ते। तो कोफ्ते बनाने के लिए बहुत से लोग कोफ्ते बनाते हैं जिनके कोफ्ते घुल जाते हैं, सब कह जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कोफ्ते कैसे नरम बनेंगे और जब हम उन्हें कुक करेंगे तो वो बिल्कुल नहीं घुलेंगे, वो बिल्कुल अपनी असल शक्ल में रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास 1 किलो के जितना कीमा है, इसमें मैंने 3 से 4 मिर्चें, इतना अदरक का पीस, लहसुन और 2 प्याज इस साइज के, ये मैंने इसके साथ में कीमा कर लिए। अब मैं इसमें डालूंगी बाकी मसाले। ये मेरे पास है 1.5 चम्मच के करीब साबुत धनिया, ये मैंने ज़्यादा बारीक नहीं किया। 1 चम्मच नमक, क्रश जो है लाल मिर्च वो भी 1 चम्मच, गरम मसाला 1/2 टीस्पून है, हल्दी भी 1/2 टीस्पून है, लाल मिर्च है वो 1 चम्मच। तो मैं इन सबको मिक्स करूँगी। साथ में मैं डालूंगी आटा जो हम नॉर्मल घर में इस्तेमाल करते हैं। बस अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। कीमे को मैं अच्छे से मिक्स कर चुकी हूँ और ये अब ना बिल्कुल सख्त है ना नरम है, ये बिल्कुल अच्छा सा एक इसका मिक्सचर तैयार हो गया। मैं अपने हाथों को करूंगी ग्रीस कुकिंग ऑयल से और मैं कोफ्तों की उनकी शक्ल दूंगी। तो कोफ्ते हमारे तैयार हैं, तो अब हम इसे फर्दर कुक करेंगे। लहसुन अदरक मेरे फ्राई हो चुके हैं, अब मैं इसमें ये सब मसाले डालूंगी, इसे मिक्स करेंगे। अब मैं ये टमाटर का पेस्ट इसमें डालूंगी और इसे 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे जब तक इसका पानी कुछ नहीं होगा। मसाला हमारा अच्छे से तैयार हो चुका है, अब मैं इसमें डालूंगी ये प्याज जो मैंने ब्राउन किए थे और इसको मैंने बाद में इसका पेस्ट बना लिया। ये 2 प्याजों का पेस्ट है मीडियम साइज, इसको मिक्स करेंगे। इसके साथ मैं इसमें डालूंगी दही, मज़ीद 5 से 6 मिनट पकाएंगे जब तक दही पक जाएगी, फिर हम इसमें थोड़ा पानी शामिल करेंगे। हमारी दही भी फ्राई हो चुकी है, मसाला भी बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 कप के जितना पानी, अब इस पानी को बॉईल आने तक इंतज़ार करेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे कोफ्ते। पानी को बॉईल आ चुका है, अब मैं इसमें कोफ्ते शामिल करूंगी। जब तक पानी में बॉईल ना आए कोफ्तों को शामिल नहीं करना चाहिए, अगर ठंडे पानी में हम डाल देंगे तो वो कोफ्ते बिल्कुल फूल जाएंगे, टूट जाएंगे। एक
एक एक करके शामिल करें। कोफ्ते मैंने शामिल कर दिए, अब मैं इसे ढक दूंगी तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए ताकि इनकी एक साइड अच्छे से कुक हो जाए। अब मैं इसको हल्के से इसको इस तरह से ऊपर नीचे करूंगी। जब हम कोफ्ते डालते हैं उसको फौरन बाद इसको बिल्कुल नहीं पलटना चाहिए और ना ही गोल चम्मच इस्तेमाल करना चाहिए, उससे कोफ्ते टूटेंगे। ये अब कोफ्ते पक भी चुके हैं और टूटे भी नहीं हैं। इसको मैं मज़ीद 5 से 6 मिनट इसी तरह पकाऊंगी और फिर मैं इसमें थोड़ा पानी शामिल करूँगी। अब मैं इसे कवर करूँगी। कोफ्तों का पानी भी खुश्क हो चुका है और ये बिल्कुल अच्छे से पक भी चुका है। शामिल करूंगी थोड़ा पानी। बॉइल आने तक पकाएंगे और हमारे कोफ्ते बिल्कुल रेडी हैं। सालन हमारा तैयार है, अब हम इसे सर्विंग बाउल में निकालेंगे। कोफ्ते हमारे तैयार हैं, आप इसे अपने घर इस तरीके से ट्राई करें। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हमारी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।